बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पटना। कानून के क्षेत्र में जो करियर बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें ऐसे कॉलेज में ही पढ़ाई का विकल्प चुनना चाहिए जहां के शिक्षक उच्च शिक्षित होने के साथ साथ अनुभवी भी हो। मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव हुआ। मैं अभी एज प्रेजेंट डायरेक्टर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हूँ। मैं पिछले करीब करीब 4 साल से डायरेक्टर हूँ इस इंस्टीट्यूट के, कॉलेज के। ये कॉलेज जो है 1984 में इस्टेब्लिश हुआ और ये हुआ एक छोटे से कैंपस में, पटना के एक बहुत ही नामी स्कूल मिलर स्कूल कैंपस में, जो कि पटना हाई कोर्ट से सटे हुए हैं। उसमें ये छोटे से दो रूम में स्टार्ट हुआ और इसको स्टार्ट करने वाले जो थे पटना हाई कोर्ट के ही रिनाउंड सीनियर एडवोकेट्स, उस समय के सीनियर एडवोकेट्स जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता था, उस तरह के एडवोकेट थे, कुछ उस समय के अच्छे अच्छे जजेस थे, उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय से ये बढ़ते बढ़ते अपने एम ऑब्जेक्ट पर चलते चलते ये जो है सो ये अपने कैंपस में राजा बाजार जो अभी हम लोग स्थित हैं, इस अपने कैंपस में 1984 में वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ, जो कि करीब करीब 1 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है और इसमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे कम ही इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें शिफ्ट किया। और हमारे यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में BA LLB और LLB दो कोर्स कराई जाती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में 3 वर्षीय LLB और 5 साल का BA LLB कोर्स बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित है। जल्द ही यहाँ LLM कोर्स भी शुरू होने वाला है। इस प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन के लिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट यानी BLAT आयोजित किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही कॉलेज में प्रवेश लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ के पाठ्यक्रमों के अनुरूप कानूनी पेशे में कुशल ही नहीं बल्कि हर उच्च शैक्षणिक क्रम और रुचि के व्यक्ति से पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। मैं डॉक्टर अमृता, प्रिंसिपल बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हूँ। मेरा कॉलेज 1984 में लॉ सोसाइटी ऑफ बिहार के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ था। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही मेधावी और परिश्रमी हैं और संस्थान के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हुए हाई कोर्ट में उच्च पदों पर भी स्थापित हैं, जैसे वर्तमान में जस्टिस मोहित शाह, जस्टिस अंशुमान, ये हमारे इस संस्था से ही निकले हुए छात्र हैं जो आज हाई कोर्ट का सम्मान वर्धन कर रहे हैं। और जिला के विभिन्न न्यायालयों में हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होकर के उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका पुस्तकालय। BIL के पास एक समृद्ध लॉ पुस्तकालय है जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार संदर्भ पुस्तकों और कानून पत्रिकाओं और कंप्यूटरों के साथ पर्याप्त संख्या में किताबें उपलब्ध हैं। मेरा नाम फरहत जबी हुआ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का इस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ। यहाँ लगभग 15 क्लासेस एट अ टाइम चलते हैं। ये कॉलेज जो है वो स्टेट और यूनिवर्सिटी से परमानेंट अफिलिएशन ले चुका है। इस कॉलेज में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ लीगल एड की व्यवस्था है, NSS भी है, गर्ल्स के लिए अलग से गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज़ कॉमन रूम भी है, फर्स्ट एड के लिए भी एक अलग कमरा हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। मेरा नाम शांतनी बत्स है। मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छात्र छात्राएं ना केवल पढ़ाई में बल्कि अलग अलग फील्ड में भी भाग लेते हैं तथा वहाँ से स्थान प्राप्त करके भी आते हैं। हमारे यहाँ के छात्र को माननीय गवर्नर के द्वारा भी पुरस्कार दिया गया है। मूट कोर्ट, कानून सेमिनार, मॉक पार्लियामेंट, कानूनी बहसें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और ये मूट कोर्ट रूम और बड़े सेमिनार रूम में शैक्षणिक दिनचर्या का हिस्सा हैं।
पढ़ाई के लिए जरूरी सभी सुविधाओं से युक्त BIL से डिग्री लेने के बाद विद्यार्थी कानून के हर क्षेत्र में पारंगत हो जाता है। इसके बाद खुल जाती है उसके रोजगार से संबंधित बहुत सी राहें। तभी तो यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी वरिष्ठ वकील, जज, कंपनियों में लीगल अफेयर्स का काम संभालने वाले अधिकारी हैं। एक बार BIL में प्रवेश पा लिया तो समझिए जिंदगी को सही राह मिल गई, और जिसे सही राह मिल गई उसे मंजिल पर तो पहुंचना ही है।